हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना वीडियो जिसमें मैं जा रही हूँ छत पर। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से 30 मिनट एटलीस्ट वॉक करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी इधर जिम कर रही थी और सब कुछ बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से। मैं जिम भी नहीं कर रही हूँ और इधर कुछ दिनों से मैंने वॉक भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल घर पर थी, सिर्फ पका रही थी, खा रही थी। तो मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं वॉक करूँगी। तो वॉक करने के लिए मैंने सोचा कि मैं छत पर ही करूँ, बाहर बिल्कुल ना करूँ। जबकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी दूर का व्यू है। हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पर कोई भी नहीं सड़कों पे निकल रहा, बहुत ही कम, एक दो लोग, वो भी जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने जाते हैं वो निकल रहे हैं। देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, मगर फिर भी मैंने सोचा है कि मैं रोड पर नहीं जाऊँगी और अपने टेरिस पर ही जो है वॉक करूँगी और आप लोगों के साथ थोड़ी बातें करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज पूरे दिन मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं और कुछ डिश तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि वो मैंने परफेक्ट बनाई है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बनी थी। और कुछ तो जो हम रेगुलर खाते हैं वैसा बनाया, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स उसकी भी ऐड करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आज मैंने ये कॉफ़ी बनाई। ये कॉफ़ी जो बनाने का तरीका है, ये हम बहुत सालों से, और आप सब भी बहुत लोग इस तरह से कॉफ़ी बनाते होंगे, लेकिन जो आजकल न्यू ट्रेंड चला है दालगोना कॉफ़ी, इसको नाम से हम इसको नाम नहीं देते थे, हम सेम ऐसे ही कॉफ़ी बनाते थे और कॉफ़ी पीते थे, बट आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है दालगोना। तो मैंने सोचा कि मैं चलो आज फिर कॉफ़ी बनाई जाए। तो सबसे पहले मैंने आज कॉफ़ी के लिए वही सेम प्रोसीजर इसका है, कुछ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है। 2 टेबलस्पून आपको कॉफ़ी लेनी है, 2 टेबलस्पून आपको वाटर लेना है, 2 टेबलस्पून सेम आपको शुगर लेनी है। और ये जो 2 टेबलस्पून मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको 2 कप कॉफ़ी के लिए ही ठीक है। अगर आपको और बनानी है तो आप और ऐड करिए। तो रेशियो सेम 1:1:1 रखना है, कुछ भी सुपर साइंस नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बट आजकल ऐसा होता है ना कि एक कोई काम करता है और सब कोई वही न्यू ट्रेंड समझ कर उसको करने की कोशिश करने लगते हैं, बट ये कॉफ़ी बनाने का तरीका हमारा काफ़ी पुराना है और काफ़ी लोग इस तरह से कॉफ़ी बनाते आए हैं। बट इस कॉफ़ी को लिया आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको बनाने में एटलीस्ट 10 मिनट्स तो जाते ही जाते हैं और आपको कॉन्टिनेशन में अपना हाथ को चलाना होता है। तो ये देखिए, ये अभी कंप्लीट, अभी थोड़ी लिक्विड ही दिख रही है। अगर आप इसको ग्लास के ऊपर फ्लोट कराना चाहेंगे तो अभी ये बिल्कुल भी फ्लोट नहीं करेगी, आपको और मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप, जो ट्रेंड चल रहा है दालगोना, आप कैसे मिल्क के ऊपर अपनी कॉफ़ी को फ्लोट करा सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे थिकन होगी ना, वैसे वैसे इसका कलर थोड़ा और वाइटिश की तरफ होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन आप सभी को पता है कि फिर से सेकेंड एक्सटेंड हो गया है, काफ़ी केसेस भी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में और वर्ल्ड को देखते हुए काफ़ी कंट्रोल है कोरोना का। इतना ज़्यादा लोगों को नहीं हो रहा है जितना कि बाहर कंट्रीज़ में हो रहा है। कुछ लोग इसके लिए अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कम्स है इस वजह से हमें सही रिजल्ट पता नहीं। ये देखिए, जब आपकी कॉफ़ी ऐसे हो जाए कि जब आप टर्न करें और वो बिल्कुल भी मूव ना करे, गिरे नहीं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी कॉफ़ी रेडी है। और नेक्स्ट फ्रेंड, और नेक्स्ट देखिए, मैंने बनाए हैं कबाब, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी, बिलीव मी, बहुत अच्छे थे, बहुत ही डिलीशियस थे। और कबाब के साथ मैंने सोचा कि मैं पराठे बनाऊंगी। तो सबकी अलग अलग फरमाइश थी, किसी को गोल पराठे पसंद थे, किसी को 3 कोने वाले पराठे चाहिए थे, किसी को 4 कोने वाले पराठे चाहिए थे, सबका अपना अपना था कि मुझे ऐसा पराठा चाहिए। तो मैंने बनाया, और इसके साथ ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम रस मलाई बनाना ट्राई किया, जो कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो में से देखा था कि पहले दूध को फाड़ा मैंने इस तरह से, देखिए, और उसके बाद मैंने उसका जो रबड़ी बनती है, जो पानी होता है दूध का, वो अलग बनाया और शीरा अलग बनाया। पर मैं एक बात आपको बिल्कुल सही बताऊंगी, जब भी आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम बनाते हो ना, आपसे परफेक्ट नहीं बनती है, बट मेरी जो ये रबड़ी थी ना, ये सुपर डिलीशियस बनी थी, परफेक्ट बनी थी, मगर मेरी जो रसमलाई थी वो स्पॉन्जी नहीं हुई थी उतना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। और जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो वो परफेक्ट नहीं बनती है, पर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने गोल पराठे बनाए, मैंने 3 कोने के भी पराठे बनाए,
कलर कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं पराठे नहीं खाऊंगी, मैं रोटी खाऊंगी। आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए।